टैग में सर्प चंपा का पौधा ले आई और वही मिला जहां आपने कहा था। डैड, डैड आप कहां हैं? डैड, ये तहखाने का डोर खुला क्यों है? डैड, सावी, डैड, ये सब किसने किया? मैं खोलती हूँ। नहीं सावी, नहीं। जाओ। ये सब क्या है? डैड मैं अभी आती हूँ। सावी, सावी। लगता है पिया को पता चल गया है। हाँ भैया। अंश, अंश तुम कहाँ हो? मैं घर से बाहर आया हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? थैंक गॉड तुम घर के बाहर हो। देखो घर के अंदर मत आना, यहाँ कोई है जो तुम्हारा रूप लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे पता है भैया, इसीलिए तो मैं घर से बाहर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ अंश? बाबा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं काम करती हूँ, मैं बाबा के पास जाती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा हमें क्या करना चाहिए। नहीं 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 भैया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है हमें क्या करना है। एक काम करो, तुम मुझे जंगल के पास मिलो, मैं तुम्हें वहां सब समझा दूंगा। ठीक है। तुमसे त्रिनेत्र मणि छीनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पिया। अब त्रिनेत्र मणि को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। डैड, अच्छा हुआ डैड ने मुझसे सर्प चंपा फूल लाने को कहा था। डैड ने बताया था कि सांपों को सर्प चंपा फूल की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्या कर रही हो तुम? Savi, it's working. थैंक गॉड तुम घर पर नहीं थे। तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो रहा है। वो घर के अंदर है और तुम्हारा भेस लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है, और किसी को इसके बारे में नहीं पता, और ना मैंने किसी को बताया, क्योंकि क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अंश, मैं क्या करूं? ऊपर से बाबा भी मेरा फोन ही उठा रहे कि उनसे पूछ लूं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं काम करती हूं, मैं उन्हें फिर से ट्राई करती हूं। अंश,
तुम अंश नहीं हो। हमने पाताल केत की धूप की ना घर पे, इसीलिए वो घर से चला गया होगा। क्या ये आप क्या कह रही हैं? निशान जी आप लोगों ने पाताल केतकी की धूप की है? हाँ निशान जी, आप ही तो अंश से कहा था कि घर में पाताल केतकी की धूप करनी। मैंने अंश से ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या, तो फिर अंश ने भाभी को ऐसा करने को क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अंश नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप निशान जी? अंश नहीं है मतलब? अंश नहीं है मतलब दिलरुबा चुड़ैल वापस तो नहीं आ गई? वो चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल नहीं है, अंश नहीं है, तो वो है कौन? वो एक सर्प है। निशान जी आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब वो अंश नहीं बल्कि उसके भेस में एक सर्प है जिसने अंश से उसकी सर्प शक्तियां भी ले ली। ये भगवान, डायन, जुड़ेल, सर्पिका, सर्प, कोई नॉर्मल इंसान हमारे घर में क्यों नहीं आता? सारे जीव जंतु क्यों आते हैं? निशान जी आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो सर्प मेरे पास भी आया था, उसने मुझ पर हमला करके मुझे ताबूत में बंद कर दिया था, तो सावी ने मुझे चुरा लिया, इसलिए मैं यहाँ पाया हूँ। अगर वो सरपंच है तो मेरा बेटा आज कहाँ है? ये तो सर्प को ही पता होगा, उसने आप लोगों से पाताल केतकी की धूप करवाई, इसका मतलब वो अंश को कमजोर करके अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ये तो पाताल केतकी है, इससे अंश की जान को और खतरा हो सकता है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ माँ। ये करना पड़ेगा पिया, इसी में अंश की भलाई है। मा! हे भगवान, मैंने खुद ही अपने बेटे की जान दांव पे लगा दी। भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, उसका डर सही था।
इसीलिए वो मना कर रही थी घर में पाताल खेत की धूप करने से, लेकिन मेरी उसकी एक नहीं सुनी और खुद ही अपने बच्चे की जान खतरे में डालती। भाभी आप ऐसा मत सोचिए, आप चिंता क्यों करती हैं? जब तक अंश और पिया एक साथ हैं, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। भाभी गुड़िया, गुड़िया कहाँ है? यही तो पता नहीं ना, ना अंश का कुछ पता है ना पिया का, और वो नकली अंश भी घर पे नहीं है। अगर गुड़िया घर पर नहीं है, इसका मतलब सर्प गुड़िया के पीछे ही गया होगा। पिया के पीछे क्यों? उसकी पिया से क्या दुश्मनी है? हर सर्प को त्रिनेत्र मणि की तलाश होती है, पर वो मणि गुड़िया के अंदर है। इसका मतलब पिया की जान भी खतरे में? सिर्फ गुड़िया की नहीं, गुड़िया और अंश दोनों की। निशांत जी, दोनों बच्चों को कैसे बचाएंगे, सोचिए ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों गए कहाँ हैं। गुड़िया एक दैविक है, वो सर्प का मुकाबला कर सकती है, इसलिए हमें पहले अंश को ढूंढना होगा।